अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे और रमज़ान भी अच्छी तरह से ही गुजर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपके साथ चने चाट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और चना चाट दही के साथ। तो देखिए कितनी अच्छी रेसिपी बनती है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत चटपटी। तो आइए हम नए तरीके से चना चाट की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चना उबाल लेते हैं। चने उबालने के लिए हमें हल्दी और नमक की ज़रूरत पड़ेगी। हल्दी एक चम्मच डालिए और नमक भी एक चम्मच ही डालिए। अब इसे लीड लगाकर गैस ऑन कर लेते हैं। 2 से 3 सीटी लगाकर हम गैस ऑफ कर लेंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं हमारे चने कितने गले, क्योंकि हमें थोड़ी सी कसर बाकी रखनी है, क्योंकि इसमें हमें आलू मिलाना है, क्योंकि चना रगड़ा बना रहे हैं हम। आलू 2 ले लीजिए और उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और लीड लगाकर 2-3 सीटी लगा लीजिए। पहले हम बिरिस्ता बनाएंगे। पैन में तेल डाल के प्याज ब्राउन करेंगे। 2 बड़ी प्याज लेंगे और उसे अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। ये प्याज हमें चना चाट पर ऊपर से डालनी है। अच्छी तरह से लाल करके उसे हम बाहर निकालेंगे। प्याज अच्छी तरह से लाल हो रही है, अब हम इसे बाहर निकालेंगे। लीजिए हमारी प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। चने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम इन्हें बघारते हैं। बघारने से पहले हम थोड़े से चने ग्राइंड कर लेंगे ताकि ग्रेवी में गाढ़ापन आ जाए। पैन में 2 टेबलस्पून तेल डाल के 1 बड़ी प्याज भुनेंगे। वन टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे। 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से भुनेंगे। अब हम इसमें पाउडर्ड मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, छोला मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून। सारे मसालों को डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से डालिए। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प भी डालेंगे, फिर आप अपने स्वाद के हिसाब से भी डाल सकते हैं। खट्टा कम या ज़्यादा लग रहा हो तो आप आपके हिसाब से डालिए। अब हम ग्राइंड किया हुआ चना वो भी इसमें डालेंगे। और अच्छी तरह से पकाएंगे। इससे हमारे ग्रेवी में बहुत गाढ़ापन आ जाएगा। हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है, अब हम इसमें चने डालेंगे। चने डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। चनों में नमक मिलाएंगे
नमक हमने उबालते वक्त भी डाला है, इसलिए हमें टेस्ट के हिसाब से डालना है। और ये लीजिए आधा चम्मच काला नमक भी डालना है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हरा धनिया डालेंगे। अब इन सबको मिक्स करेंगे। चम्मच चलाना है। देखिए हमारे आलू भी अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं इसमें और अच्छा गाढ़ापन भी आ गया है। गार्निशिंग के लिए हमें हरा धनिया और पुदीने के पत्ते भी लगेंगे, तो फिर इसे हम काट लेते हैं। दही में शक्कर और काला नमक मिला के अच्छी तरह से फेंट लेंगे। चलिए अब हम चनों की प्लेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले दही डालेंगे। पुदीने की पत्तियां डालेंगे, हरा धनिया। अब हमारी बनाई हुई खट्टी मीठी चटनी भी डालेंगे। तली हुई प्याज भी डालेंगे जो हमने बनाकर रखी थी। और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इस पर आलू चिप्स डालेंगे और सेव भी छिड़क देंगे। बहुत डिलीशियस यम्मी बनती है। देखिए कितनी डिलीशियस रेसिपी बनी है, बहुत टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में ज़रूर मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।